इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वन डी इलास्टिक कोलिजन। तो वन डी इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, देखो सपोज करते हैं हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक, सपोज करो मेरे पास इस तरह से दो बॉडीज हैं, ए का नाम है ए, ए का नाम है बी, मान लो इसका मास है एम वन और इसका मास है एम टू, ठीक है, इस ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, एक वेलोसिटी है इसके पास, वो वेलोसिटी कितनी मान लो u1, और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, ठीक है जी, दो बॉडीज हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, एक की वेलोसिटी u1 एक की वेलोसिटी u2, सही है, इसी को यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, क्या बनाया हम लोगों ने, हमने बनाया लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया भाई साहब, देर आर, देर आर टू बॉडीज, क्या नाम रखे इनके, देर आर टू बॉडीज हैविंग मास ए एंड बी, हैविंग मास, हैविंग मास एम वन एंड एम टू, ठीक है, एम वन एंड एम टू, कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडीज का नाम है ए और बी, इन दोनों बॉडीज का मास है एम वन और एम टू, ये किस वेलोसिटी से चल रही है, हाँ, और लेट करते हैं कि u1 एंड u2 बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बी, और बॉडी ए एंड बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, कि ये वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, यानी कि वन डी मोशन में है, बॉडी वन डी मोशन में है ना, ए की एक्सिस में मूव कर रही है ये दोनों बॉडीज, ठीक है, अगर ये ऐसे चल रही होती ऐसे करके तो फिर दोनों एक्सिस को चेंज कर रही होती, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को, फिर टू डी मोशन हो जाता, तो हम क्योंकि वन डी इन इलास्टिक कोलिजन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इनको जो वेलोसिटी मिली हुई है दोनों बॉडीज को, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया। अच्छा अब एक चीज और हमें कंसिडर करनी पड़ेगी वेलोसिटी से रिलेटेड ही, वो क्या है, देखो खुद सोचो अगर इन दोनों बॉडीज को टकराना है तो क्या कंडीशन चाहिए हमें, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए किसकी कम होनी चाहिए, u1 जो है वो ज्यादा होना चाहिए, है ना, देखो ना u1 ज्यादा होना ही चाहिए, दो बॉडीज ऐसे ऐसे करके मूव कर रही हैं, दोनों के पास वेलोसिटी है, दोनों एक्स एक्सिस में मूव कर रही हैं, तो भाई इसकी वेलोसिटी मान लो m1 है, इससे ज्यादा होनी ही चाहिए, तभी तो जाके टकराएगा इसके साथ, वरना कोलिजन होगा ही नहीं, अगर ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब अगर भी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा, वो आगे भागता जाएगा, कहां टकराएगा, तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन वी हैव टू कंसीडर, हम बोल सकते हैं हियर u1 इज ग्रेटर देन u2, हमें मानना पड़ेगा कि भैया u1 जो है वो u2 से ज्यादा बड़ा है, तब जाके ही कोलिजन पॉसिबल होगा, और अगर ऐसा है तो कुछ समय बाद ये बॉडीज आपस में कोलाइड हो जाएंगी, मान लो इनका हेड टू हेड कोलिजन हो गया, ठीक है जी, ये आया मास m1, ये आया मास m2, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो चुका है, ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन से, ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन की, ठीक है जी, ये कंडीशन है कोलिजन की, और कोलिजन होने के बाद क्या होगा, कोलिजन जब हो गया तो मुझे बताओ, ये वही व्हाट इज ए और बी हैं जिनका मास m1 और m2 है, ठीक है जी, अब जब कोलिजन हो गया बॉडी का, क्या फिर भी इनकी वेलोसिटी सेम रहनी है, वेलोसिटी बदल जाएगी ना, जब कोलिजन हो गया उसके बाद ए बॉडी की कुछ अलग वेलोसिटी हो जाएगी, बी बॉडी की कुछ अलग वेलोसिटी हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी, तो चलो मान लो ए बॉडी को मिली वेलोसिटी v1 और बी बॉडी को मिली वेलोसिटी v2, दिस इज द कंडीशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये दास्तान होगी इसके साथ, ठीक है, एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ भी मूव कर रहे हैं, बट वेलोसिटी बदल चुकी है, ठीक, तो देखो इस डेरिवेशन में जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, सेम ही कंडीशन है, सेम सब कुछ हम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज आनी है, वो चेंज क्या है आपको पता चल जाएगी, कि इस क्वेश्चन में मैंने करना क्या है, बिफोर द कोलिजन जो पैरामीटर्स हैं वो हमें पता है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे पता है u1 की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, u2 वेलोसिटी कितनी है, हम खुद सपोज कर रहे हैं, भैया u2 इसकी वेलोसिटी है, बॉडी भी किसका, मतलब u2 कितना है मुझे पता है, बट आफ्टर कोलिजन जब कोलिजन हो गया उसके बाद v1 कितनी वेलोसिटी v1 को मिल गई और कितनी वेलोसिटी v2 को मिल गई हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो इस डेरिवेशन में हमने बेसिकली करना क्या है, इस डेरिवेशन में हमने यही v1 और यही v2 को फाइंड करना है, यही v1 और यही v2 को फाइंड करना है, अब समझ आया कि क्या करने के वाले हैं हम लोग, है ना, कि u1 और u2 तो पता है, अब हमने करना क्या, हमने कैसे भी करके v1 और
v2 को फाइंड करना है, वही हमारा टारगेट है, अल्टीमेट गोल हमारा वही है कि हमें v1 और v2 को फाइंड करना है, सही है। तो यहां पे लिखते हैं, नाउ लेट दीज टू बॉडीज गेट कोलाइड, ठीक है, मान लो जो ये बॉडीज कोलाइड हो गई, एंड आफ्टर कोलिजन के बाद लेट v1 and v2 be the velocity of body A and B। भैया कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद v1 और v2 वेलोसिटी हो गई किसकी, बॉडी ए और बॉडी बी की। अब क्योंकि ये है एक इनइलास्टिक कोलिजन, तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या चीज कंजर्व करती है, इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व करता है और कुछ नहीं कंजर्व करता, सिर्फ मोमेंटम। अगर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व करता है, नाउ एज वी नो दैट, यहां लिख देंगे नाउ लेट दिस टू बॉडीज गेट कोलाइड, और यहां लिख देना इनइलास्टिकली, ठीक है, यहां बता देते ना कि इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट इनइलास्टिक कोलिजन, कि भैया इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है ना, मोमेंटम कंजर्व्ड, कि भैया इनइलास्टिक कोलिजन में क्या चीज कंजर्व करती है, मोमेंटम कंजर्व करता है। अगर मोमेंटम कंजर्व करता है तो क्या आना चाहिए, बिफोर द कोलिजन व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बताओ, m1 u1, मास टू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2, ये है मोमेंटम टोटल पूरे सिस्टम का। इस पूरे सिस्टम में दो बॉडीज आती हैं, एक ए और बी, तो दोनों का मोमेंटम प्लस करना है हम लोगों को, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कितना है, बिफोर द कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए आफ्टर द कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम वो कितना है, m1 v1 plus m2 v2, ये इसके बराबर होना चाहिए। अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करती, कल हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कराई थी क्योंकि वो केस था इलास्टिक कोलिजन का, तो फिर आगे डेरिवेशन प्रोसीड की थी, बट क्योंकि ये है इनइलास्टिक कोलिजन इसलिए यहां पर एक यही इक्वेशन मेरे को मिलने वाली है, इसका नाम रख दो वन। अब एक चीज और हमने पढ़ी है, याद है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एज यू नो दैट कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता था, एज यू नो याद है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बताओ भैया क्या होता है वो, इज इक्वल टू इट्स अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज इट इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई यू वन माइनस यू टू, सही है ना, क्योंकि यू वन बड़ा है इसीलिए इसको इससे माइनस किया, ठीक है ना, ये तो हमें पता है, ये तो है ना कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में हम जानते हैं। अब इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन आपको पता है ये बराबर होता था, ये दोनों चीजें बराबर आई थी हमारी कल भी, है ना, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये v2 - v1 u1 - u2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखो क्या कर सकता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा, e u1 - u2 इज इक्वल टू v2 - v1 आ सकता है ना। अच्छा अब थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना, क्या सॉल्व करें, अच्छा अगर मैं इसको क्या करूं, मेरे को अगर सिंपल यार इसी को मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा, देखो e u1 - e u2 है ना इज इक्वल टू v2 - v1। अब इस इक्वेशन से अगर मैं v1 निकाल लूं, v1 देखो निकलता है इधर से, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा, बताओ ये आ जाएगा आपके पास e u1 - u2 प्लस है ना v1 इज इक्वल टू v2। अब यहां से हमारे पास v2 की एक वैल्यू आई है ना, तो हमारा यही आंसर होना चाहिए एक हिसाब से, बट नहीं हमें इसको कहीं और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्यों, ये v2 की वैल्यू आई तो है u1 और u के इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2, बट इसके पास v1 भी है, तो दो अननोइंग फैक्टर है, v2 भी नहीं हमें पता, v1 भी नहीं पता, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है फिलहाल, यानी कि हमें v2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2, हमें v2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2, हमें v1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2, जो हमें चीजें पता है तभी तो वैल्यू निकलेगी एग्जैक्ट, ऐसे कैसे निकलेगी, है ना, तो इसका मतलब अभी भी हमारा क्वेश्चन पेंडिंग है, हमें v2 को वैल्यू तो निकालनी है, बट क्योंकि इसमें v1 आ रहा है तो अभी ये आंसर नहीं है, तो एक काम करें
क्या इस v2 को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूट v2 इन कहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, वन में, तो क्या आंसर आएगा बताओ? अगर इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखो, करो सब्स्टिट्यूट, देखो क्या आंसर आता है। देखो जरा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू की वैल्यू क्या है? हाँ, ई यू वन माइनस ई यू टू प्लस वी वन, सही है, सही है, ठीक है। देखो 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 देखो, इसमें इस क्वेश्चन में कल भी मैंने आपको बताया था कि है बड़ा आसान, बट इसमें सर प्लस माइनस की गलती से क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि यहां पे एक ऐसी टर्म बड़ी बार आने वाली है, तो एक थोड़ा प्लस माइनस गलत किया तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से करना है, निकलेगा 101%, बट करना इसको बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि अगर तुमने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को किया तो फिर आप इसको गलत कर दोगे। लिख दिया यहां तक, अब सुनो क्या करना है। अब खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या करो, देखो क्या ही कर सकते हैं, इस एम टू को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही स्टेप हो सकता है अगला, है ना? तो कर दें क्या, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू ई यू वन माइनस एम टू ई यू टू, सही है ना? कुछ नहीं किया भाई साहब मैंने, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं, और प्लस एम टू वी वन, है ना? देखो ना, कुछ नहीं किया भाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इन तीनों के साथ, कर लिया, ठीक है, डन। अच्छा अब एक काम करें, देखो आपको क्या निकालना है यार, आपको यहां पे निकालना है वी वन की वैल्यू को, तो एक काम करते हैं, वी वन को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको फेंक देते हैं दूसरी तरफ। तो यहां वी वन कहां कहां पे है, ये देखो, ये वी वन और कहां पे है, वी वन वी वन वी वन, ये वी वन, ठीक है जी, इसको रखेंगे इधर ही, बाकी जो भी सामान है उसको फेंकेंगे वहां। तो देखो क्या आएगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, उसके बाद इसको उठा के लेके जाऊंगा यहां पे तो माइनस एम टू ई यू वन, इसको उठा के लेके जाऊंगा वहां तो प्लस एम टू ई यू टू, सही है, सही है, इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, एम टू वी वन और हाँ प्लस एम वन वी वन, सही है, ये स्टेप समझ आया? बिल्कुल आराम आराम से समझो इसको, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज देखोगे कि यार कॉमन क्या क्या चीज निकलती है। अच्छा एम वन यू वन एम वन यू वन एम वन एम वन एम वन की कहीं है कहानी? देखो यू वन तो है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी है यू वन और यहाँ पे भी है यू वन, सही है ना? तो क्यों ना इसमें से अगर मैं, अच्छा पहले इकट्ठा करके लिख देता हूँ, ऐसे तो मैं समझ नहीं आएगा, एम वन यू वन इसको उठा के यहाँ लिख दूं माइनस एम टू ई यू वन, सही है, एक जैसे टर्म को इकट्ठा कर रहा हूं बस, देखो ना यू वन इसके पास है, तो इस टर्म को मैंने बस इसके साथ लिख दिया, प्लस यहां पे क्या बचा एम टू यू टू और यहां पे क्या बचा प्लस एम टू ई यू टू, है ना, ठीक है। आगे क्या है, अच्छा यहां पे भी एम टू वी वन प्लस एम वन वी वन, सही है ना, सही है, लिखो 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 उसको, जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं, लिख दिया एम वन यू वन माइनस एम टू ई यू वन प्लस एम टू यू टू प्लस एम टू ई यू टू फिर एम टू वी वन प्लस एम वन वी वन, ठीक है जी, लिख दिया। अब सुनो, देखो यार यहां पे यू वन और यू वन कॉमन है और कुछ नहीं है कॉमन, तो यू वन को कॉमन निकालूं, बचेगा क्या एम वन माइनस ई एम टू, लिख दूं क्या, है ना, यू वन कॉमन निकला एम वन माइनस ई एम टू। अच्छा यहां पे क्या कॉमन है भाई, एम टू यू टू एम टू यू टू, ये तो दोनों कॉमन है, तो क्यों ना इसको ऐसे लिखूं एम टू यू टू कॉमन, बचा क्या वन प्लस ई, बचा ना वन प्लस ई, कर लो मल्टीप्लाई वही चीज मिलेगी, है ना। और यहां पे क्या, यहां पे भी कुछ कॉमन, बिल्कुल यहां पे क्या कॉमन है वी वन कॉमन है, तो क्या बचेगा एम वन प्लस एम टू, है ना, और वी वन यहां पे कॉमन निकल गया। अच्छा आपको क्या निकालना था, व्हाट इज योर अल्टीमेट टारगेट, आपको निकालना था वी वन को, तो क्यों ना वी वन को यही रखूं और इस चीज को यहां डाल दूं, तो क्या होगा बताओ, यह आएगा यू वन एम वन माइनस ई एम टू प्लस एम टू यू टू वन प्लस ई डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, और यहां क्या बचा वी वन बचा, बस यही तो है। अब आपके पास वी वन की जो वैल्यू आई है, ये आई है इन टर्म्स ऑफ
u1 एंड u2 की जो आपको पता था, इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2 जो आपको पता था, तो यानी कि यहां पर हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब इसको निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। तो यही आपका अल्टीमेट टारगेट था, v1 की वैल्यू निकल गई। अब अगर ये क्वेश्चन आया 5-6 मार्क्स का, तो आप ऐसा ही प्रोसेस करके, मतलब अगली बार ये आपने v2 सब्स्टिट्यूट किया ना, अगली बार v1 सब्स्टिट्यूट करके बिल्कुल इसी प्रोसेस से यहां तक इस क्वेश्चन करोगे। बट अगर एग्जाम में आया 3 मार्क्स का, ठीक है, तो फिर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर आप v1 निकालो और लिखो सिमिलरली v2 इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना, यहां 1 लिखे ना, 1 2 लिख देना बस, यहां आएगा u2 m2 em1 + m1 u1 + 1 + e m2 + m1 1 का 2 2 का 1 यहां पे v2 आ जाएगा, बस सिमिलरली करके, फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सीधा सिमिलरली करके कर लेना है, ठीक है जी, समझ आया। अच्छा, अगर यहां तक समझ आ गया सबको, यहीं तक करना है, बट अगर आपको मतलब v2 निकाला आ जाएगा ना, निकालू भाई, v2 कुछ नहीं करना, v2 यहां लिखना है, मैंने क्या बताया, u2 m1 m नहीं 1 नहीं 1 की जगह 2 माइनस e m1 प्लस m1 u1 1 प्लस e, जहां 2 है वहां 1 m2 प्लस m1, बस खत्म कहानी। तो ये आपका v2 भी आ गया सिमिलरली करके, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करनी हो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, किसकी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये तो आ गया इन इलास्टिक कोलिजन, 1D इन इलास्टिक कोलिजन, अगर आपको एग्जाम में आया सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो आपने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन करना है, सेम यहां तक करना है, इसको बता दो फिलहाल सारा यहीं तक करना है, पूरा v1 निकाल देना है, उसके बाद आपने पता क्या लिखना है, आपने लिखना फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू क्या होती है, 0, e की वैल्यू क्या होती है, बस वो वैल्यू आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो क्या आएगा u1 m1, अब ये 0 तो ये कहानी खत्म, प्लस m2 u2 e की वैल्यू 0, स्टोरी खत्म इसकी, यार समझो, देखो साफ साफ लिखते हैं उसको, तो क्या आएगा u1 m1 है ना, e की वैल्यू 0 प्लस m2 u2 e की वैल्यू 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये क्या आया v1। फॉर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन v1 की वैल्यू ये आती है, फॉर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है जी। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन में इनलास्टिक कोलिजन आया, सेम चीज लिखनी है, बस लास्ट में आप ये लिख देना, ठीक है जी, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, एक दो केस आप खुद भी डिस्कस कर सकते हो, जैसे अगर m1 और m2 इक्वल होता तो v2 की वैल्यू क्या होती, ये आप घर से करके आओगे, ठीक है, ये वाला केस आप घर से डिस्कस करके आओगे, फॉर होमवर्क, होमवर्क मिला तुम्हें आज, क्या है आपने ये केस डिस्कस करना, केस सेकंड, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 की वैल्यू m2 के बराबर होगी तो v1 की वैल्यू क्या होगी, यार सिंपल है, m1 और m2 की जगह सिंपल m लिख देना, फिर देखना क्या आता है। और केस थर्ड आप ये डिस्कस करना कि अगर u2 की वैल्यू 0 होती तो क्या होता, ये सेकंड बॉडी ये रुकी हुई होती और तुम्हारी ये जो फर्स्ट बॉडी है ये हिट करती इसको जोर से, तो हमारी v1 की वैल्यू क्या आती, ठीक है, इफ u2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर u1 0 होता तो कोलिजन नहीं होता, तो क्वेश्चन ही नहीं होता, स्यापा ही नहीं होता, है ना, लेकिन u1 0 नहीं होगा तो u2 की वैल्यू 0 है, तो आपने क्या निकालना है, v1 और v2 की वैल्यू को निकालना है, ये आपने करना है घर से, ठीक है, ये फिर मेरे को कल बताना, कुछ नहीं करना यार, m1 और m2 इक्वल टू m करके v1 की वैल्यू निकालनी है और u2 की वैल्यू यहां पे 0 करो, बस जहां पे u2 है ये 0 कहानी का, तब बस इतना सा बचेगा, है ना, तो इतना ही करेंगे आज, तो आपकी ये कोलिजन वाला, आपका ये जो कोलिजन वाला टॉपिक है ये खत्म हो गया। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है, वो न्यूमेरिकल पोर्शन हम करेंगे कल, तो फिर देखते हैं, फिर अगला चैप्टर है इसके बाद, ठीक है।